Subscribe now for more new videos and click on bell icon button. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पिक्सआर्ट से आप अपना बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट ओपन करना पड़ेगा। कोई सी भी पिक ओपन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दो टूल हैं, पहला एक ये वाला कटआउट और दूसरा जो है ड्रॉ टूल। इन दो टूल से हम जो है क्रॉप कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड। देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कटआउट से कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस खाली हमें बॉर्डर सेलेक्ट करना है इस टच से। उसके बाद हमें लास्ट में से ज्वाइन कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो हमें यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे। देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लेगा बैकग्राउंड, बस 10 या 5 सेकंड लेंगे इसमें। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड डिटेक्ट होके क्रॉप हो चुका है। अब हमें थोड़ा जूम करना है और चेक करना है कोई पार्ट मिस तो नहीं हो रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा पार्ट मिस हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आप प्लीज़ सेव करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कोई पार्ट मिस तो नहीं हो रहा है आपके बॉडी का। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए रेड कलर बाल निकला हुआ है, मैं उसको रेड कर लेता हूँ। बस हो गया, कंप्लीट हो गया सेव। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉ टूल से कैसे क्रॉप करते हैं बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्लिक करना है लेयर पे, फिर इस लेयर को हमें नीचे रखना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर वापस जाना है हमें लेयर पे, फिर नेक्स्ट हमें दो बार क्लिक करना है इरेजर पे, और कुछ इस टाइप से हम सेलेक्ट करेंगे अपना ब्रश। देखिए सपोज़ मैं ये वाला साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जितना आप इसको जूम इन करके इरेज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आराम आराम से करेंगे तो और भी अच्छा है। मैं वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर देता हूँ, मुझे टाइम लगेगा। मैंने क्रॉप कर लिया है, क्रॉप करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर लीजिए।